मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशन विद गॉड, रब नाल मेरी गल्लां, इस श्रृंखला में मेरा ख्याल है ये 30वां एपिसोड होगा, 30th एपिसोड। अब मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो कहीं से बीच में मुझे याद आ जाता है, ईश्वर याद करा देते हैं, तो मैं शेयर करने लगता हूं। तो ये उसी क्रम में नहीं जिस क्रम में ये सब घटा था, तो हो सकता है बापू मुझे बाद में कुछ और याद करा दें, लेकिन मैं अब वहां आ रहा हूं जब मुझे ईश्वर ने ये क्लियर कर दिया कि मुझे यहां क्यों लाए थे। यानी स्वतः वो क्लियर हुआ जो मेरा सवाल घूमता रहता था। तो ये घटनाएं घटी, मेरा मन लगता, लोग ठीक हुए, लोगों के साथ में यहां बड़े कौतुक हुए, मेरे साथ में भी हुए। एक रात तो ये घटना थोड़ी विचित्र है कि डॉक्टर रजनी अपने कमरे में थे, मैं अपने कमरे में, रात को 2 बजे करीब खिड़कियां दरवाजे बजने लग गए इस आश्रम के, मुझे नहीं सुनाई दिए, उसको सुनाई दी, तो उठ के बैठ गई और डर गई बहुत ज्यादा। ये शुरुआत की बात जब आए थे यहां, और फिर एक धमाका हुआ हमारे हॉल में, शायद इसका मैंने जिक्र किया किसी एपिसोड में, बहुत जोर का धमाका हुआ। तो मैं उछल के उठा, चौक के, लाइट जलाई, बाहर आया, हॉल में कुछ नहीं। मैंने डॉक्टर रजनी के कमरे का दरवाजा खोला, चीखने लग गई, तो मैंने क्या हुआ, तो कहने मुझे लगा वो चीज शायद अंदर आ गई जिसे भी खिड़कियां दरवाजे बजा रही थी, फिर धमाका किया। तो मैंने कहा खिड़कियां दरवाजे बजे, कहने हाँ पहले खिड़कियां दरवाजे बज रहे थे और अब ये धमाका हुआ हॉल में, जैसे किसी ने 100 क्विंटल का कोई लोहे का पीस ऐसे फेंका हो, हॉल में मारा हो, जोर से पटका हो। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अलार्मिंग मामला है, गड़बड़ है, यहां तो कुछ चक्कर है। खैर अब आप सोने की कोशिश करो, ईश्वर का नाम जपो, मैं भी जपता हूं और हम सुबह बात करते हैं। तो सुबह में उठा, मैंने उनसे तो नहीं बात की डॉक्टर रजनी से, मैं बाहर गया मैदान में, सामने खड़े होकर मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। और प्रार्थना मेरी ये थी कि मुझे नहीं मालूम आप लोग कौन है, निश्चित रूप से आप कोई ना कोई ताकत, कोई शक्ति तो है जिन्होंने रात में हमको डराया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा न करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी होंगे, क्योंकि आप दूसरी दुनिया में रहते हैं, तो आपको तो मालूम है हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मकसद क्या है। हमने तो लोगों को ईश्वर के नाम से जोड़ना है, हमने तो सिख धर्म का प्रचार करना है, सिख इतिहास का प्रचार करना है, लोगों को नेक बनने के लिए ईश्वर के नाम से जोड़ना, ये लक्ष्य है हमारा, आपको मालूम है, हम उसके लिए आए। तो आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए, आप तो हमको डराने लग गए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिएगा, हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, अनजान में हुई होगी, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से डराएंगे और दोबारा आपने इस तरह का कुछ हंगामा यहां किया, तो यकीन मानिए फिर हमको क्या है, हम तो बेच के चले जाएंगे यहां, सबने क्या करना है यहां, कोई हमारा काम थोड़ी है यहां, हम तो जाके वहां चंडीगढ़ में रह लेंगे या बॉम्बे वापस चले जाएंगे, चलो कुछ कम पैसे मिल जाएंगे हमको। तो प्लीज मेरी आपसे प्रार्थना, अगर गलती की हो तो हमें माफ कर दें, हम हमारी मदद करें, हमें हौसला दें, हमारी रक्षा करें, हमें डराए मत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कह के मैं अपना आ गया। ये बात को मेरा ख्याल है करीब 10-11 साल हो गए, 11 साल उसके बाद कभी यहां ऐसी कोई घटना नहीं घटी। तो इसका मतलब उन्होंने प्रवान किया। ये एक बड़ी अजीब घटना शुरू में घटी, लेकिन जो मैं ईश्वर से पूछता रहता था कि मुझे यहां क्यों लेके आए, चलो थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि यहां मन लगता है, ये जगह पवित्र है, यहां लोग ठीक हो जाते हैं, यहां पे ऐसा ऐसा हुआ, वो गया प्रसाद के साथ हुआ, दूसरा केयर टेकर उसके साथ हुआ, लोगों को ये चीजें दिखाई, यहां पहरा लगा हुआ है, ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं कन्विंस करती रही कि ईश्वर ने इसलिए यहां लेके आए। लेकिन जो ईश्वर ने मुझे प्रमाण दिया कि मुझे यहां क्यों लेके आए, जो मेरी समझ में आया, वो आया जो मैं कह चुका हूं पहले भी, 10 नवंबर 2018 को, 10 नवंबर 2018 को यहां पर मुझे डायरेक्ट संदेश आने शुरू हो गए ईश्वर के दरबार से। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूं, वो दिन मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन है, सबसे सौभाग्यशाली दिन है। मैंने जितने भी जन्म लिए उन सारे जन्मों में कभी ऐसी घटना मेरे जीवन में नहीं घटी, क्योंकि अगर घटी होती
तो मेरा कायाकल्प हो जाता। आज अगर मैं यहां बैठा हूं तो मैं यहां ना होता। मेरा जो डिमोशन हुआ, मेरा डिमोशन भी ना होता। अगर वो सारी जानकारी मुझे पहले मिल गई होती किसी भी जन्म में, मैं वहीं से प्रोग्रेस शुरू कर देता, नीचे की तरफ ना आता। लेकिन यहां ईश्वर ने दया करके, कृपा करके डायरेक्टली मुझे गाइड करना शुरू किया। मैं रोज यही मांगता था, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी रक्षा करो, मेरे मार्गदर्शन करो। तो फिर ईश्वर ने अपने एक अनोखे ढंग से, मैंने उस दैवी शक्ति को जब ईश्वर कह के, प्रभु कह के संबोधित करना चाहा, तो उन्होंने मुझे रोका कि मुझे प्रभु मत कहो। तो मैंने कहा फिर आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का एक अंश हूं। तो मेरा स्वभाव तो है ही ऐसा, जब कृपा हो गई तो बच्चे की तरह मैं उनके पीछे पड़ गया। ये पूरा वृत्तांत आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इस जगह का औचित्य मुझे ईश्वर यहां क्यों आए ये बता रहा हूं, क्योंकि लंबी चर्चा चली मेरी, उसमें जो जो मुझे आज्ञा मिलेगी पोर्शंस मैं पूछूंगा, तो जो आज्ञा प्रभु देंगे मुझे शेयर करने की वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जिस तरह से आज्ञा देंगे मैं शेयर करूंगा। लेकिन ये औचित्य मैं बता रहा हूं कि तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु जो बाल अगर मैं कहूं ये मेरे बाल हैं, ये मेरा नाखून है, तो मैं ही तो हूं। अगर आप ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर के साथ आपकी बातचीत हुई उनके दरबार में और ईश्वर ने आपको भेजा, तो इस संसार में जो शक्तियां आई, जो अवतार आए, जो गुरु आए, संत आए, भक्त आए, वो ईश्वर का ही तो रूप थे, ईश्वर के एक्सटेंशन थे। ईश्वर का एक दूसरा रूप लेके संसार में आए, लेकिन उनके जरिए ईश्वर ने मार्गदर्शन किया दुनिया का, अपनी लोकाई का, अपने बच्चों का। तो मेरी नजर में आप ईश्वर ही हैं। चलिए मैं आपको ईश्वर तुल्य कह देता हूं, लेकिन मेरा नाखून नहीं, मेरे बाल नहीं, मेरी आंख नहीं, मेरा नाक नहीं हूं। तो अगर आप ईश्वर का अंश हैं, अब वो मैं जो बात कर रहा हूं सुन रहे हैं, इससे पहले भी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं उनकी कृपा से ही बोलता हूं, गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा से, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज की कृपा से तभी मैं बोल पाता हूं। वो खुद ही बुलवाते हैं, वो खुद ही बोलते हैं। तो चलो मैं बच्चों की इज्जत करता रहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा ऐसा आपके बारे में वहां मुझे आदेश हुआ कि तुम्हारा मार्गदर्शन करना है, क्योंकि तुम यही मानते थे। अब इसमें शुरुआत जब हुई तो वो घटनाएं मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई, लेकिन वो जब पहले तो मैंने माना नहीं कि कैसे हो सकता है। मैं अपने आप को, मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं जैसे सभी हम समझते हैं, मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था, बहुत एनालिटिकल ब्रेन, बहुत सस्पिशियस, ये कैसे वो कैसे, बड़ी बाल की खाल उतारता था। तो मुझे ये कैसे हो सकता भाई, तो जितनी लॉजिक आप सोच सकते हैं वो सारे लॉजिक मैंने लगा लिए, ठीक है। अब मेरी नहीं बात पकड़ में आई, तो फिर उन्होंने मुझे संतुष्ट किया। तो जब वो घटना घटी और उन्होंने मुझे मेरा सब अगला पिछला सब बताना शुरू किया, मुझे गाइड करना शुरू किया, मेरे प्रश्नों को उत्तर देने शुरू किए, तब जाके यहां बाहर मैदान में लेट गया लंबा मैं। जब तसल्ली करवाई मेरी, खूब रोया, धन्यवाद किया कि मेरा अहो भाग्य है मेरे जैसे आदमी के बारे में उस उस हरि के दरबार में चर्चा हुई, बात हुई मेरे जैसे आदमी के बारे में। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो मैं वहां लंबा लेट गया, उस दिन मेरी बात समझ में आई दोस्तों कि अब बापू ने मुझे समझाया कि मुझे यहां लाके क्यों बैठाया मुझे यूं क्यों कहा कि यार तू अपना दिमाग इस्तेमाल कर ले या मेरा कर ले कि तुझे यहां क्यों बैठाया है। क्योंकि जैसे मैंने एक एपिसोड में कहा था, बापू ने सारी बातें कहलवा दी हैं कि वो जो स्नोफॉल में एक फ्लेक, जो एक रोना होता बर्फ का, उसकी भी जगह सुनिश्चित है। तो मेरे ऊपर जो ईश्वर के दरबार से जो कृपा होनी थी, वो कृपा इसी जगह होनी थी, वो चंडीगढ़ में, बॉम्बे में, या मेरे गांव में, या कहीं और नहीं हो सकती थी, वो इसी जगह होनी थी। इसलिए मुझे लाके बैठाया और उसका समय सुनिश्चित था, 10 नवंबर 2018 को वो कहीं मेरे जीवन में पीछे जो बोया था वो अंकित हुआ, उसके दरबार में मालिक की मेरे बारे में बात हुई और उसका एक अंश, उसकी एक शक्ति में आके
मेरा मार्गदर्शन किया, मुझसे संपर्क साधा और फिर कैसे मेरे जीवन का कायाकल्प किया, ये मैं आपसे आने वाले एपिसोड में शेयर करूंगा। और बीच में कहीं अगर पिछला बापू ने याद दिला दिया कोई, क्योंकि मैं पीछे से लेके ऐसे आते आते यहां तक आना था और यहां से फिर आगे कैसे, जैसे लोग बोलते हैं ये लिखित रूप में कैसे संदेश आते थे मेरे पास, कैसे बापू ने कृपा की, कैसे हर सवाल का जवाब दिया, और कैसे आप अपना जीवन धन्य कर सकते हैं, किन किन चीजों से बच के धन्य कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को डिमोशन से बचा सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब मेरे मालिक ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे बापू ने, उस परम दयालु ने मुझे डायरेक्टली दिए, लिख लिख के दिए। ये मानना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी, और मुझे उन्होंने कहा भी था कि बेटा तू बड़े बड़े दावे मत करना, तुझे मालूम नहीं दुनिया कैसी है, और फिर तू कहे कि आओ तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं किस किस को यकीन दिलाता फिरूंगा, ये उनके भाग्य का मामला, उनके कर्मों का मामला है, ये उन्होंने मुझे पहले आगाह किया हुआ है। तो मानना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए, क्योंकि हमारी प्रारब्ध, हमारा भाग्य, हमारे कर्म उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, नहीं माना जाता है, यकीन नहीं आता है। तो मेरी तो उन्होंने पूरी तरह तसल्लियां करवाई, संतुष्टियां करवाई पूरी तरह से। तो मैं, मेरा हो भाग्य है, मेरा रोम रोम ऋणी है, जिन मित्रों के साथ मैंने थोड़ी बात शेयर भी की तो बहुत भौचक्के रह गए, बहुत मतलब हतप्रभ की, बहुत कमाल की बात, ये कैसे हो सकता है, ये अद्भुत है, अपरिभाषित है। मैंने कहा मैं भी ऐसे सोचता हूं। डिटेक्टिव सिद्धू के साथ मैं बातें करता रहा, क्योंकि उनके भी जीवन में बदलाव आया था, और उनके बारे में बताया कि वो जब मैं महाराजा था मेरे दरबारी होते थे, तो मतलब ये बड़ा कमाल का एक चैप्टर शुरू करेंगे, आगे एपिसोडिक करेंगे इसको, तो उसमें जितनी मुझे इजाजत मिलेगी मैं कल ही डॉक्टर रूपा के जरिए संपर्क साधने का प्रयास करूंगा प्रभु जी से, और अगर उन्होंने मुझे आज्ञा दी तो उसके हिसाब से मैं आगे चलूंगा। और बीच में अगर कोई और पुरानी घटना याद तो वो भी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। लेकिन मकसद, अगर ऐसे इतने साल लग गए मुझे लेकिन मैं लगा रहा तब जाके ऐसी कृपा हुई, तो आप लोग भी लगे रहें, मन छोटा नहीं करें, हताश मत हो, छोड़े मत, थके मत, हारे मत, निराश मत हो भाई। कितने सालों से लगा रहा, जिद्दी होना पड़ेगा, ढीठ बनना पड़ेगा, वो ढीठ मंगत की तरह, भिखमंगे की तरह लगे रहना है, और कुछ नहीं। इस जन्म में चमत्कार नहीं होगा, सीधे बात नहीं होगी, तो जमा तो हो रहा है ना, अब जमा हो गया, जब ये जब अगला जन्म लेना पड़ेगा अंकुरित, देखिए ज्यादातर लोगों में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, बहुत कम लोग हैं जिनको मोक्ष मिलेगी, तो फिर जन्म तो बहुत बढ़िया जगह हो ना, जहां छोड़ के जाओगे, मतलब एमए करके जाओ तो फिर एमए से शुरू करना, जहां छोड़ के जाओ वहीं शुरू करना पड़ेगा, तो अगली बार एमए से शुरू करो तो पता लगा कुछ सालों में ही बचपन में शुरू हो गया, वो माहौल मिल गया, और कुछ सालों में ही कायाकल्प हो गया, आनंद आने लग गया, बात बन गई। जो अब आप स्ट्रगल कर रहे हो कि बात क्यों नहीं बन रही है, वो फिर जल्दी बन जाएगी। तो हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, लगे रहना है, जैसे ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है, आप पे भी करेगा, सब पे करेगा, वो परम दयाला है, परम दयालु है, परम कृपालु है। उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करके इससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।